हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आप सबको मेरे एक फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जाएंगे धान लाने के लिए, जो धान सब सूखने के लिए दिए थे, पानी भींगा हुआ था, पिछले वीडियो में आप सब देखे ही होंगे। तो वो धान सब आज लाने के लिए जाना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। अभी छत चढ़े थे ऊपर धूप तापने के लिए, तो वो रहा देखिए हमारा ट्रैक्टर, उसमें जाएंगे अभी धान लाने। सुबह सुबह भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है दोस्तों, इसीलिए वे चढ़े थे छत धूप तापने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं खेत की ओर, फिर उतरते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है, इधर तो छाया हो गया है। दोस्तों अभी बरस कर रहे हैं, बरस करने के बाद चलेंगे खेत। देखिए ये भी जाएगा, यहाँ बरस कर रहा है अभी बैठ के। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आप सबसे। तो फाइनली बरस तो कर लिए, अब हमको करना है अभी नाश्ता, क्योंकि खेत जाना है इसीलिए। तो देखते हैं नाश्ता में क्या बना है, क्या मम्मी बनाई है। इधर चूल्हा में पीठा हो रहा है चावल का, जो कि पापा के लिए है, और ये मेरा पीठा रहा, ये बन चुका है पहले ही, और ये रहा मेरा दाल। तो ये चावल का पीठा है, देखिए चावल को जो पीस के बनाते हैं वही वाला पीठा, खाने में बहुत ही मज़ा आता है ये सब। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। तो फाइनली दोस्तों, नाश्ता हो गया है, अब चलेंगे खेत। ये रहा देखिए ट्रैक्टर का चाबी, और अभी जाएंगे धान लाने। नाश्ता करके पेट भर गया, पीठा चावल का पीठा खाने में बहुत ही मज़ा आता है हमको, इसीलिए चावल का पीठा हम करने बोलते हैं मम्मी को। तो आज की थी, तो चलिए दोस्तों चलते हैं खेत। जरा फिर भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है दोस्तों। ये देखिए हमारा ट्रैक्टर, अब इस पे अभी चलेंगे खेत धान खाने। पैर की देखिए, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। गाड़ी पे जाते समय तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हिलता है ट्रैक्टर, आप सबको भी पता है, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाएंगे। हिलेगा वीडियो बना पाएंगे, फिर भी हिलेगा थोड़ा बहुत वीडियो। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं खेत पहुंच के, आप सब से मिलते हैं। ट्रैक्टर का आवाज़ में आवाज़ भी नहीं आएगा मेरा अपना क्लियर। तो फाइनली दोस्तों खेत पहुंच गए, अभी बीड़ा लोड करना है। देखिए ये वाला बीड़ा सब अभी लोड करना है, यहाँ तिरपाल बिछा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धान झड़ रहा है इसीलिए। तिरपाल बिछाने से धान सब तिरपाल में रह जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही बर्बाद हो रहा है, बहुत झड़ रहा है धान। अभी इसमें लोड करना है, और भी धान है उधर, वो सब लोड करना है। फाइनली दोस्तों धान लोडिंग हो गया है हम लोग का। तो देखिए पूरा लोडिंग हो चुका है, अब इसको अभी घर लेके जाना है, और घर में इसको फिर से सरिया के रखना है, जो हम लोग बोलते हैं चाकी, चाकी को चकियाना है, ये सब को ले जाकर। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है धान के खेती में, क्या है बता सकते हैं। इधर ये देखिए, फाइनली दोस्तों धान लेके घर तक पहुंच गए हैं। तो
आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।